नमस्कार दोस्तों, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लेके आया है एक खास जानकारी, एक खास किस्सा, एक खास कहानी। आज का विषय बहुत ही अचंभित करने वाला है और ये विषय है एक घोड़े पे आधारित। जब स्वामी भक्ति की बात आती है तो सभी लोगों के दिमाग में आता है स्वामी भक्त घोड़ा यानी कि चेतक। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में हमेशा अनेकों विद्वान हुए हैं, अनेकों योद्धा हुए हैं और उन योद्धाओं के साथ हमेशा एक घोड़े की कहानी जुड़ी है। उसी कहानी में से एक कहानी है शुभ्रक घोड़े की। तो आज का ये किस्सा है शुभ्रक घोड़े पर आधारित। आज का विषय बहुत ही अचंभित करने वाला है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन अहमद की घोड़े से गिरकर मौत हो गई, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे? एक लड़ाका सरदार जिसने 11 साल की उम्र में घुड़सवारी शुरू की और घोड़े पर बैठे बैठे उसने अनेकों युद्ध किए और विजय भी हुआ, ऐसे व्यक्ति की मौत घोड़े से गिरकर कैसे हो सकती है? ये एक सवालिया निशान हो सकता है। मेवाड़ के राजकुमार करण सिंह जी के पास शुभ्रक नाम का घोड़ा था जिसने अपने प्राण देकर करण सिंह जी को कुतुबुद्दीन के जाल से छुड़ाया। जानते हैं कुतुबुद्दीन की मौत का सच। 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वो घोड़ा किसका था और उसका नाम क्या था। कहानी और किस्से की जो रोमांचक बात है, जो स्टोरी है, वो इसी पे आधारित है। कुतुबुद्दीन ने जब राजपुताना पर जमकर कहर बरसाया 1206 से 1210, उदयपुर के राजा करण सिंह जी को बंदी बना लिया गया। उसी दौरान कुंवर सा का एक घोड़ा शुभ्रक उसे पसंद आ गया और वो उसे भी ले गया। एक दिन कैद से भागने के अपराध में कुंवर सा को मौत की सजा सुना दी गई और उन्हें जन्नत बाग में ले जाया गया और कहा गया कि वहाँ पे उनके सर काटकर उसे पोलो मैदान खेला जाएगा, पोलो खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन जब अपने खिलाड़ी टोले के साथ वहाँ पर पहुँचा तो वो शुभ्रक पर ही रवाना हो गया। यानी कि वो जब मृत्यु दंड देने के लिए पहुँचा तो वो घोड़े पर जो खेलने के भाव से वो आया था तो वो शुभ्रक पर ही आया था। तो जब मालिक को उसने बंदी बना हुआ देखा और देखा कि मालिक की क्या दशा हो रखी है, उसी दौरान उसको बहुत गुस्सा आया। तो घोड़े की स्वामी भक्ति देखिए आप, उसने उसी वक्त अचानक मौका देखकर कुतुबुद्दीन को अपने ऊपर से गिरा दिया नीचे और उसको बिल्कुल मौका नहीं देते हुए, उसको एक समय का, एक पल का मौका नहीं देते हुए उसके ऊपर वार करना, अपने आगे के टापों से उस पर वार करना शुरू कर दिया और कुछ ही वार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और ये देखते ही देखते जब लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, इतने ही इसी पल में करण सिंह जी उस पर सवार हो गए और घोड़ा उनको लेकर उदयपुर की तरफ रवाना हो गया। और देखते ही देखते वो उदयपुर पहुंच गया और वहीं पे जाके जब महाराजा ने उस पर हाथ फेराया तो घोड़ा स्तब्ध था, घोड़ा पत्थर बना हुआ था, उसके अंदर जान नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह के महान योद्धा हमारे देश में हुए और घोड़ों का विशेष रूप से इसमें बहुत योगदान रहा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल माटीरी सुगंध।